कैडेट्स, आज की हमारी इस क्लास में राइफल पोजीशन, ओके, राइफल जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे राइफल पकड़ना है और राइफल के साथ में आपको कैसे एम लेना है। तो एम से पहले हम आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आज की इस क्लास में राइफल की पोजीशन, तो राइफल की पोजीशन कौन कौन सी है, फोर। तो पहली पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन। तो स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से खड़ा होना है, राइफल को कैसे होल्ड करना है, कैसे राइफल से एम लेना है, ओके, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखना, जब भी आप अगर घर में आपके पास में आर्टिफिशियल जो जैसे छोटा बच्चा छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं राइफल के साथ में, तो उस राइफल को लेना है और उसके साथ घर पे प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब आपके कैंप स्टार्ट होंगे तो आपको आसानी रहेगी उस वेपन से, उस राइफल से एम लेने में। आप भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगी, ओके। तो आज इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टैंडिंग पोजिशन, ओके। तो स्टैंडिंग में सबसे पहले जैसे हमारा टारगेट है, आपको बोल दिया स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है, तो सामने टारगेट है पेड़, ओके। अब पेड़ की सिद में आप अपने राइट लेफ्ट, सबसे पहले जो हमारे शोल्डर हैं, शोल्डर के इक्वल दोनों पैर को ओपन करो, ऐसा नहीं करना है, ओके। इस तरह से इक्वल, यानी आपका बॉडी का वेट एकदम इक्वल होना चाहिए, ओके। अब इक्वल के साथ में सबसे पहले जो लेफ्ट लेग है उसको टारगेट की तरफ निशाना बनाओ सामने ऐसे, ओके। और फिर जो आपका राइट है उसको उस पर टी बनाना है, देखिए इस तरह से, ओके, इस तरह से इतना गैप रखो। ये है हमारी स्टैंडिंग पोजीशन, ओके। और अब है राइफल को होल्ड करने का तरीका, ओके। तो सबसे पहले होल्ड करना है, देखो ये है मेरा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को सबसे पहले ये जो आपकी मैगजीन है इसके साथ होल्ड कर, इस तरह से लगाना इसके पास में, फिर फिंगर्स को इस तरह से रखना, ओके। और जो आपका ये थंब है, थंब को इस तरह से रखना, ऊपर नहीं रखना, ऐसे स्ट्रेट रखना। तो ये है राइट लेफ्ट हैंड से होल्ड करने का। अब है हमारा राइट हैंड की बारी, तो जो हमारा राइफल का जो बट प्लेट है ये, इसको आपके शोल्डर के यहाँ पे बिल्कुल बंद, ओके। उसके बाद में ये आपका हाथ, इसको पकड़ो, ये अंगूठे के पास वाली फिंगर, उसको ये है हमारा ट्रिगर गार्ड, इस गार्ड के ऊपर लगाना है, ऐसे पकड़ो, क्रॉस कर लो। जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है इस फिंगर को इस अंदर नहीं लेके जाना, ओके। तो आपका हमेशा फिंगर यहाँ होनी चाहिए, ओके। तो ये था हमारा होल्ड करने का तरीका, ओके। अब क्या करना है, अब जैसे होल्ड किया तो सबसे पहले जैसे यू है हमारा, कई राइफल में ऐसे यू बना हुआ होता है, तो ये मेरे वाली राइफल में होल बना हुआ है, ओके। इस होल से मुझे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस होल के अंदर से मुझे देखना है और इस पॉइंट को जो राइफल के सामने जो टारगेट बना हुआ है वहां लगाना है, ओके। तो ये तरीका है, और ये मेरा जो गाल है उसको मुझे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ रखना है, ओके। तो ये चीज डन, और कंफर्टेबल राइट और लेफ्ट जो है इस चीज का ध्यान रखना, जो राइट हैंड से करता है तो वो ये पोजीशन होगी और जो लेफ्ट होगा उसका उल्टा हो जाएगा, ओके। तो ये है तरीका होल्ड करने का राइफल, और इस तरह से रखना और आईज को बंद करना है, एक आंख को बंद करो। अगर मैं राइट लेफ्ट राइट हैंड से कर रही हूँ तो मेरी लेफ्ट वाली आंख बंद होगी और राइट से मैं इस होल से उस टारगेट को देखूंगी, ओके। यस, ये है तरीका होल्ड करने का। ओके, ये चीज क्लियर हुई। तो स्टैंडिंग पोजीशन में राइफल का वजन होता है तो सबसे ज्यादा होल्ड लेफ्ट हैंड को करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड को अगर आपको मजबूत करना है और राइफल को यह होल्ड करना है, क्योंकि मेन काम आपका हैंड का होता है, तो लेफ्ट राइट हैंड का सिर्फ आपको इतना सा रहना पड़ता है, लेकिन पूरा वजन आपको हैंड पे रखना पड़ता है। तो आपको ये मान लो कि आपको मजबूत है ताकि आप इसको होल्ड कर सके अच्छे से, और आपका हाथ है ना वो ऐसे मूवमेंट ऐसे नहीं करे, क्यों, अगर इस हाथ में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो ये हाथ धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट करेगा और आपका जो निशाना है, जो टारगेट है, वो टारगेट पे कभी भी नहीं लगेगा। क्यों कहते ना कि आपका निशाना प्रॉपर क्यों नहीं होता है, इसका सबसे पहला रीजन यही है कि अगर हमारे हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है तो हमारा टारगेट सही नहीं लगेगा, ओके। और दूसरी बात, जब तक आपके स्टाफ या आपके जो सर आपके साथ खड़े रहते हैं, आप फायरिंग पोजिशन पे ग्राउंड पे जब आप जाते हो, तो कभी भी इस फिंगर को इस ट्रिगर पे नहीं रखना, क्यों,
ये अनफॉर्चुनेटली कभी कभार क्या होता है, गलती से ये अगर ट्रिगर दब गया तो हमारा निशाना चूक जाता और राइफल में से जो गोली निकलती है वो किसी और के लग जाए, तो ऐसा नुकसान नहीं करना। तो जब भी फायरिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना अपने आप को मेंटली ग्रुप में रखना है, एकदम स्ट्रेट माइंड रखना है, जो सर कह रहे हैं उस पर फोकस करना है, ध्यान को राइट लेफ्ट कभी नहीं लगाना है, ओके। और इस तरह से ये है आपका एग्जैक्ट पोजिशन, ओके स्टूडेंट्स। ये था राइफल स्टैंडिंग पोजीशन का फर्स्ट पार्ट। अगर किसी बच्चे को अगर इस राइफल पोजीशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सेकंड है नीलिंग पोजीशन। राइफल के साथ नीलिंग पोजीशन कैसे करनी है, देखो आप स्टैंडिंग पोजीशन सेम है, इसी में अगर आपको बोली जाए नीलिंग पोजीशन सेम वही पोजीशन में ध्यान रखना, कोई चेंज नहीं है। मेरा जो लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल टारगेट की तरफ है और ये वाला पैर वैसा ही है बिल्कुल। तो अब आपको नीलिंग कैसे होना है, ये तरीका है नीलिंग ओनली। कोनी में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो जैसे अभी ये की बॉल है ये की घूमती है, अगर ये घूमेगी तो आपकी राइफल हिलने लग जाएगी। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा करके और इसको आगे करना है, जिससे क्या कि हमारा पूरा फुल सपोर्ट हो जाए और उससे क्या कि हमारी राइफल मूवमेंट नहीं करे। सेम वही पोजिशन है जो स्टैंडिंग पोजिशन में मैंने आपको बताया था, राइफल को यहाँ रखना है, वही सेम टारगेट वही निशाना और इस तरह से आपको हाथ वही और इस तरह से आपको निशाना लगाना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जोर यहाँ आता है जो बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, तो उसके लिए उनको रेगुलर ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे क्या कि हमारा पूरा जो बॉडी का वेट है ना वो इस पंजे पे और इस हाई पे आता है। तो सबसे ज्यादा पंजा फोल्ड होता है, तो आपको ये जो लेफ्ट वाला राइट वाला जो हिस्सा है वो आपको राइट लेग के ऊपर क्लीटी पे रखना है और यहाँ से टो क्या फोल्ड होता है, तो फोल्ड होने में क्या हमारे पेन होता है, तो रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका बैलेंस बनेगा। अदरवाइज बैलेंस नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपकी पेन होगा, दर्द रहेगा, तो आपका पूरा दिमाग यहाँ जाएगा। तो इसलिए आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या कि आपकी राइफल आराम से बैलेंस बन जाए। इस तरह ये टारगेट आपको लगाना, ओके। तो जैसे पहली पोजीशन थी हमारी स्टैंडिंग पोजीशन, तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या हम दुश्मन के सामने ऐसे खड़े होकर फाइट कर सकते, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका एक मतलब कि एक बाउंड्री बनी हुई होती है। कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, चारों तरफ से वो एक एरिया से बंद होता है और सिपाही वहां खड़ा होता है, जिससे क्या राइफल उसके ऊपर होती है, जिससे क्या कि आपकी पूरी ये बॉडी नहीं दिखाई देती है, सिर्फ आपकी कैप दिखाई देती है जिसमें भी ऐसे हरे हरे पत्ते लगे होते हैं, तो उससे क्या कि अगले को पता नहीं चलता कि आप खड़े हो, ओके। तो सेम वही जैसे आप सिटिंग पोजिशन में आप बैठ नीलिंग पोजिशन में जब आप फायर करते हो तो आपके सामने 1 से 1.5 फीट की हाइट का एक पहाड़ या कुछ ऐसा आड़ होती है जिसके पीछे आप खड़े होकर फायर करते हो, ऐसे सामने से तो हमें कोई भी उड़ा देगा। तो इसलिए नीलिंग पोजीशन का बेनिफिट तभी होता है जब आपके सामने कोई ऐसी छोटी सी चट्टान हो या कोई 2-4 पत्थर ऐसे रखे हुए हो जिससे हाइट के पीछे आप छुपे हुए हो और पीछे से छुप के आप वार कर, इस तरह से, ओके। तो कैडेट्स अब फायरिंग पोजीशन में आपको बता रही हूँ, लेकिन फायरिंग पोजीशन कैसे होल्ड करनी है, कैसे करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्राउंड मैदान जो ग्राउंड है, ग्राउंड का इन्वायरमेंट कैसा है, उबड़ खाबड़ है या किस तरह का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी राइफल की पोजीशन होल्ड करनी है। अगर ग्राउंड में जैसे मैंने आपको बताया नीलिंग पोजीशन थी, तो अगर वहां पहाड़ है, चट्टान है 1 से 2 फीट में, तो आप अपनी नीलिंग पोजीशन ले सकते हो, ओके। और कुछ जैसे मैंने बताया स्टैंडिंग पोजीशन थी, तो वहां पे जैसे बाउंड्री बनी हुई होती है और उस पर आप अंदर जाके खड़े होते हो, तो वहां स्टैंडिंग पोजीशन यानी ग्राउंड का मेजरमेंट या उबड़ खाबड़ एरिया देख के ही आपकी पोजीशन ली जाती है। इसलिए आपको चारों पोजीशन सिखाई जाती है कि कभी भी आप अगर फायरिंग करना चाहो या दुश्मन को मारना चाहो तो आप ये चारों पोजीशन आपके हेल्प होती है और आपके काम आती है, इसलिए चारों पोजीशन जरूरत होती है, ओके कैडेट्स। अगर आपको ये फायरिंग स्टैंडिंग पोजीशन और नीलिंग पोजीशन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड कौन सी वाली, सिटिंग पोजीशन, फायरिंग की सिटिंग पोजीशन, तो इसमें क्या करना है, क्यों होती है ये वाली सिटिंग पोजीशन, क्यों करते हैं, सिटिंग पोजीशन में ऊपर से नीचे की तरफ फायर करना, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप छत पे हो, चाहे पहाड़ी पे हो, चाहे पेड़ पे हो, चाहे कहीं पे भी कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, हमेशा टॉप से डाउन की तरफ फायर करना पड़ता है। तो उसमें सिटिंग आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले है कि आराम से आप
इस तरह से बैठ जाओ। ये है बैठने का तरीका, जिसे ये हमारे जो टो है अब ऊपर की तरफ रहते और ये एक आरामदायक सीट होती है, जिसे कि मतलब कि हम बैलेंस बना हुआ रहता है और हम आगे की तरफ नहीं जाते, इसीलिए इस तरह से बैठते हैं। और ये दोनों हाथ हमारे इस तरह से रहते हैं। अब अपन को राइफल लेनी है हाथ में, लेकिन राइफल लेने का सेम तरीका वही है जो हमने स्टैंडिंग में, नीलिंग में और अब सिटिंग में। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस सिटिंग पोजिशन चेंज है बस। ओके, तो यही होल्ड है, यही है ट्रिगर और इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा जो निशाना है वो नीचे की तरफ रहेगा, ये देख लो आप इस तरह से ये रहेगा आपका इसमें निशाना, क्योंकि हम हाइट पे हैं तो हमें निशाना नीचे लगाना है। ओके, तो ये वाली जो फायरिंग पोजीशन है, इसमें क्या होता है कि हम बैठ, अभी आप पूछोगे कि मैम इसमें हम स्टैंडिंग क्यों नहीं कर सकते, हम नीलिंग डाउन क्यों नहीं कर सकते। स्टैंडिंग अगर खड़े होकर करोगे तो दुश्मन हमें अच्छे से देख लेगा और हमें शूट कर देगा, इसीलिए। और नीलिंग में क्या होगा, नीलिंग में हम कंक्रीट होती है, पहाड़ कैसा होता है देखा होगा, हमेशा कंकड़ पत्थर झाड़ी कांटे वांटे सब होते हैं, तो उसमें क्या कि हमारा जो एम है वो अच्छे से परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही होता है कि इसमें सीटिंग वाली पोजीशन सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है। और जो हमारी ये जो एडिया होती है, ये क्या ग्रिप बना के रखती है, इससे क्या है कि एम लेने में हमें बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है और हमारी एम हिलता नहीं है, मूवमेंट एक मूवमेंट नहीं होता है और एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट है वो एकदम कम्प्लीट होता है। इसलिए ये सिटिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है और ये अच्छी होनी चाहिए। इस पोजीशन में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके कैडेट्स, अब है हमारी लास्ट पोजीशन, लाइंग पोजीशन, यानी लेट करके फायरिंग करना जो सबसे आरामदायक होती है। क्वेश्चन भी बहुत काफी टाइम आपके क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे आरामदायक पोजीशन कौन सी है, तो बच्चे कहते हैं लाइन पोजीशन। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले खड़े होने का तरीका, ओके आराम से आप खड़े हो और राइफल आपकी, जैसे अगर आप फायरिंग पे जैसे आपको लेके जा रहे हैं तो ऑलरेडी वहां राइफल रखी होती है। ओके इस तरह से, ओके तो ये राइफल आपकी रखी होती है जिसमें मिट्टी से भरा हुआ एक सपोर्ट होता है, जिसपे क्या राइफल की जो नोक है वो उसके ऊपर हैंड होती है। ओके अब आपको कैसे करना है, जो राइफल है उसके सामने राइट लेग लेफ्ट लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और ये दोनों हाथ आपके राइफल के पास जाएंगे। ओके और फिर एक झटके से पैर पीछे की, अब आपको बिल्कुल बेंड हो जाना है, लेट जाना है। लेटने के बाद में सबसे पहले काम क्या करना है, जो हमारे लेग्स है उनको कैसे ओपन करना है। राइट लेग हमारी राइफल के सिद में रहेगा, जो हमारा राइट लेग है वो बिल्कुल राइफल के सिद में रहेगा स्ट्रेट और एडी अंदर की तरफ और लेफ्ट लेग ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ और एडी अंदर की तरफ। ये रिलैक्स पोजीशन है, मतलब ये रिलैक्स है, ऐसा होना है, रिलैक्स कंफर्टेबल रहना है, ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं। ओके अब हमें राइफल उठानी है, तो इस तरह से राइफल लेनी है और वही पोजीशन सेम है, राइफल होल्डिंग की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो सेम ऐसी रहे, ये है और ये हाथ और ये राइफल है, ये है हमारी राइफल की लाइंग पोजीशन। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे ये सबसे इजी और आसान है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको राइफल कैसे रखा, वापस हाथ यहाँ रखे और ये उठ के और वापस अपनी पोजीशन पे दिए, तो ये तरीका है लाइन पोजीशन पर। चारों पोजीशन में अगर किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट टाइम आपके इस क्वेश्चन का मैं वापस से सॉल्व करूंगी और आपकी हेल्प करूंगी ताकि आपको फायरिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, जय हिंद।